हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स की लास्ट एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। इससे पहले मैंने 3.1, 3.2 एंड 3.3 करा दी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला गया स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। अब आपको नीचे कुछ कंडीशन दे रखी है, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वेयर। स्क्वेयर की प्रॉपर्टी आपको बताया, रेक्टेंगल की आपको प्रॉपर्टी बताया। आपको बताना है कि क्या जितने भी रेक्टेंगल होते हैं उन्हें हम स्क्वेयर बोल सकते हैं, तो यह आ जाएगा फॉल्स। ये फर्स्ट का आंसर बनेगा फॉल्स। और क्यों बनेगा फॉल्स, वो रीजन भी मैंने लिखा है। जितने भी स्क्वेयर होते हैं हम स्क्वेयर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं, रेक्टेंगल को स्क्वेयर नहीं बोल सकते। जितने भी स्क्वेयर होते हैं वो सारे के सारे रेक्टेंगल हो सकते हैं, बट जितने भी रेक्टेंगल हैं वो स्क्वेयर नहीं हो सकते, क्योंकि स्क्वेयर की ऑल साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। एक रीजन ये भी हो सकता है। अब हम स्क्वेयर जो हमारा है, अगर बोले कि स्क्वेयर की अपोजिट साइड इक्वल है तो वो हमारा रेक्टेंगल बन सकता है, बट अगर हम बोले कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल है तो उससे हमारा स्क्वेयर नहीं बन सकता। तो रेक्टेंगल, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वेयर, तो इसलिए फॉल्स है। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। अब पहले आपको इनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी के लिए मैंने एक वीडियो स्पेशल बनाई हुई है जिसमें हमने डायग्राम प्लस प्रॉपर्टी डिस्क्राइब की है, आप वो वीडियो जरूर देखें। तो जितने भी रोम्बस होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं। अब रोम्बस की जो साइडें हैं वो इक्वल भी होती है और वो पैरेलल भी होती है, और पैरेललोग्राम की भी जितनी भी अपोजिट साइडें हैं वो इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू। और रीजन क्या बनेगा, अपोजिट साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल एंड पैरेलल, और सेम होता है पैरेललोग्राम में। सी पार्ट में लिखा हुआ है ऑल स्क्वेयर्स आर रोम्बस एंड रेक्टेंगल। अभी फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्क्राइब किया था स्क्वेयर रेक्टेंगल हो सकता है, रेक्टेंगल स्क्वेयर नहीं हो सकते, तो इसने वो बोला है कि स्क्वेयर रोम्बस भी है और स्क्वेयर रेक्टेंगल भी है, तो ये बात ट्रू है, क्योंकि जितने भी स्क्वेयर हैं वो रोम्बस हो सकते हैं और वो रेक्टेंगल भी हो सकते हैं। बी पार्ट, ऑल स्क्वेयर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। अब ये भी चीज हमारी, अगर यहां पे नॉट वर्ड नहीं यूज होता तो ये हमारी ट्रू होती, क्योंकि स्क्वेयर में क्या होता है कि सारी साइड इक्वल होती है और अपोजिट सारी साइडें इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है, बट पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइडें इक्वल और पैरेलल होती है, तो हम यहां से बोल सकते थे कि जो स्क्वेयर है स्क्वेयर की अपोजिट साइडें इक्वल भी है और पैरेलल भी है, और जब इक्वल और अपोजिट साइडें इक्वल और पैरेलल हो जाती है तो पैरेललोग्राम बन जाएगा, बट इसने नॉट वर्ड यूज किया इसलिए हो जाएगा फॉल्स। और रीजन आएगा ऑल स्क्वेयर्स आर पैरेललोग्राम कब, जब उसकी अपोजिट साइडें इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो। E part, all kites are rhombus. तो ये क्या हो जाएगा, false, क्योंकि जो kite होती है उसकी सारी की सारी साइडें same length की नहीं होती। जैसे square में सारी साइडें equal होती हैं, वैसे rhombus की भी सारी साइडें equal होती हैं, same length की होती हैं। All rhombus are kite, ये हो सकता है true, क्योंकि rhombus की जो दो distinct बोलते हैं अलग अलग, और consecutive pair of equal length, pair of sides of equal length, जो consecutive बोलते हैं लगातार, जैसे ये इसके बाद ये फिर ये फिर ये, तो वो जो अलग अलग consecutive pair बनेंगे वो सभी के सभी equal length के होंगे, इसलिए kite में rhombus kite हो सकता है but kite rhombus नहीं हो सकता। तो जो kite है वो rhombus नहीं होते, false है जी, जो rhombus है वो kite होते हैं, ये true बात है। सेकेंड लास्ट पार्ट, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम। अब ये भी ट्रू है, क्योंकि ट्रेपीजियम की कंडीशन होती है उसमें एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल तो नहीं होता लेकिन पैरेलल होता है, तो लिखेंगे ऑल पैरेललोग्राम हैव ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड। पैरेललोग्राम में भी होते तो दो पेयर हैं लेकिन हम एक पेयर का यूज करेंगे, और वो कैसा होता है, पैरेलल साइड वाला यूज करेंगे। लास्ट बोला गया है ऑल स्क्वेयर्स आर ट्रेपीजियम। अब स्क्वेयर की भी सेम कंडीशन है, अपोजिट साइड है, अगर मैं अपोजिट की बात करूं वैसे तो चारों साइडें होती हैं, अगर अपोजिट की बात की जाए तो अपोजिट जो साइडें होती हैं
वो इक्वल भी होती हैं और वो पैरेलल भी होती हैं। अब इक्वल का तो हमें यूज करना ही नहीं है, हमें तो पैरेलल का यूज करना है, तो हम लिखेंगे ट्रू है क्योंकि ऑल स्क्वेयर हैव ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड। कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर टू। इन क्वेश्चन नंबर टू आइडेंटिफाई ऑल क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव, आपको बताना है, नीचे दो पार्ट में स्टेटमेंट दे रखी है कि उसके अंदर कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल इंक्लूड होंगे। फर्स्ट में बोला गया है फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ, वो उन क्वाड्रिलेटरल्स के नाम लिखने हैं जिसमें चारों की चारों साइडें सेम लेंथ की हो, तो वो स्क्वेयर में होता है। और सेकेंड होता है रोम्बस। रोम्बस एंड स्क्वेयर ऐसे दो क्वाड्रिलेटरल हैं जिनकी चारों की चारों साइडें इक्वल लेंथ की होती है। बी पार्ट में बोला गया है फोर राइट एंगल्स। अब चार जो राइट एंगल्स बनते हैं अंदर की तरफ, अब इसने ये तो नहीं बोला कि अंदर बनेंगे बाहर बनेंगे, बट जो हमारा रेक्टेंगल होता है और जो हमारा स्क्वेयर होता है उसमें ये जो चार एंगल जो बनते हैं ये 90 डिग्री के बनते हैं। ऑल फोर एंगल्स आर 90 डिग्री, तो इसमें फोर राइट एंगल्स में नाम आएगा स्क्वेयर एंड रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर थ्री में बोला गया है एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वेयर इज ए क्वाड्रिलेटरल। अब किसी स्क्वेयर को क्वाड्रिलेटरल कब बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चार साइडें हो, स्क्वेयर की भी चार साइडें होती हैं, तो स्क्वेयर को क्वाड्रिलेटरल तब बोलेंगे जब स्क्वेयर की भी चार साइडें हो। तो हम लिखेंगे ए स्क्वेयर इज ए क्वाड्रिलेटरल सिंस इट हैज फोर साइडें, क्योंकि उसकी चार साइडें होती हैं इसलिए उसे क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। एक स्क्वेयर को पैरेललोग्राम कब बोलेंगे? स्क्वेयर को पैरेललोग्राम तब बोलेंगे जब उसकी अपोजिट साइडें पैरेलल हो जाए एक दूसरे के। तो हम लिखेंगे स्क्वेयर इज ए पैरेललोग्राम सिंस इट्स अपोजिट साइड आर पैरेलल टू ईच अदर। स्क्वेयर को रोम्बस कब बोलेंगे? जब उसकी चारों की चारों साइडें सेम लेंथ की हो जाए। तो हम लिखेंगे स्क्वेयर इज ए रोम्बस सिंस इट्स फोर साइड आर ऑफ सेम लेंथ, होती है ना चारों साइडें सेम लेंथ की, तो इसी वजह से स्क्वेयर को हम रोम्बस बोल सकते हैं। स्क्वेयर को रेक्टेंगल कब बोलते हैं? जब रेक्टेंगल ए स्क्वेयर इज ए रेक्टेंगल कब? जब उसके इंटीरियर एंगल्स की मेजरमेंट कितनी हो जाए 90 डिग्री, जो आपका फोर बी पार्ट था। स्क्वेयर को क्वाड्रिलेटरल तब बोलते हैं जब स्क्वेयर को क्वाड्रिलेटरल तब बोला जाता है, या क्यों बोला जाता है? क्योंकि स्क्वेयर की भी चार साइडें होती हैं और क्वाड्रिलेटरल भी चार साइडों से मिलके बना होता है। स्क्वेयर को पैरेललोग्राम क्यों बोला जाता है? स्क्वेयर को पैरेललोग्राम इसलिए बोला जाता है क्योंकि स्क्वेयर की भी अपोजिट साइडें पैरेलल होती है एक दूसरे के। स्क्वेयर को रोम्बस क्यों बोला जाता है? स्क्वेयर को रोम्बस इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसकी जो सारी साइडें हैं वो सेम लेंथ की होती हैं। स्क्वेयर को रेक्टेंगल कब बोला क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसके जो इंटीरियर एंगल्स की मेजरमेंट है वो आती है 90 डिग्री। कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स फर्स्ट पार्ट इज बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट बोलते हैं, मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूं, ऐसे तो इसे बोला जाता है बाइसेक्ट करना। और बाइसेक्ट जब करते हैं तो ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के इक्वल होती है, ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के इक्वल होती है। तो उन क्वाड्रिलेटरल्स के नाम लिखने हैं जिसमें डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो वो होता है पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वेयर, रेक्टेंगल। अब उन क्वाड्रिलेटरल्स के नाम बताने हैं सेकंड पार्ट में जिसमें डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। परपेंडिकुलर का मतलब ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा, तो वो होते हैं दो, रोम्बस एंड स्क्वेयर। थर्ड पार्ट में बोला गया है डायगोनल्स इक्वल होते हैं, उनकी लेंथ इक्वल होती है, तो वो होता है सिर्फ रेक्टेंगल एंड स्क्वेयर के अंदर। क्वेश्चन नंबर फाइव एक्सप्लेन वाई ए रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल को कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों कहा जाता है? क्योंकि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो अंदर लाई करते हैं, मतलब डायग्राम के अंदर लाई करते हैं, रेक्टेंगल के अंदर लाई करते हैं, इसीलिए उसे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है।
in a rectangle, there are two diagonals both lying in the interior of the rectangle. That's why it is a convex quadrilateral. अब जो आपकी 3.4 चल रही है एक्सरसाइज, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है सेपरेट, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल कराई है। तो आप पहले उस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद ही 3.4 कंटिन्यू करें, क्योंकि 3.4 में जो ये डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट रहे हैं, इक्वल है, और हमने पहले स्क्वेयर की और पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, इनकी जो प्रॉपर्टी अभी पीछे क्वेश्चन में आई थी वो सारी की सारी उसमें कराई हुई है। तो आप पहले वहां से उस वीडियो को जरूर देखें, उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वहां से जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें कंपैरिजन, उनमें डिफरेंस करना अगर आप लोगों को अच्छी तरह आ जाएगा तो ही आप ये बेटर वे में समझ पाएंगे कि वाई वी राइट हेयर ये पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वेयर, रेक्टेंगल, वाई वी राइट हेयर रोम्बस एंड स्क्वेयर, एंड वाई वी राइट हेयर रेक्टेंगल एंड स्क्वेयर। तो फर्स्ट थिंग इज वो वीडियो जरूर देखें। लास्ट क्वेश्चन ऑफ 3.4, लास्ट क्वेश्चन में बोला गया है ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ मिड पॉइंट है उस साइड का जो अपोजिट है राइट एंगल के, तो एक्सप्लेन करो ओ जो पॉइंट है क्या वो इक्विडिस्टेंस है ए बी सी तीनों पॉइंट से। तो उसके लिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया, मैं आपको पहले समझा देता हूं कैसे डायग्राम ड्रॉ किया। ये ए बी सी मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले ली, राइट एंगल अगर बी पॉइंट पे है तो इसकी अपोजिट साइड पे जो होगी वो मिड पॉइंट हमने ओ सपोज कर ली। उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्शन की एक लाइन ड्रॉ की, लाइन ए बी, कंस्ट्रक्शन से मैंने इस लाइन को जितना बी सी है उतना ही इस लाइन को बढ़ा दिया, रिड्यूस कर दिया, और इस पॉइंट को नाम दे दिया डी। अब जितनी ये लाइन है उतनी ही यहाँ पे डी टू सी ड्रॉ कर दी, इस तरीके से ड्रॉ की कि ये लाइन इसके इक्वल है, ये लाइन इसके इक्वल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल है। ड्रॉ की मैंने एक लाइन ए डी एंड डी सी, ए डी एंड डी सी, सच डेट ए डी पैरेलल्स टू बी सी एंड ए डी ए बी पैरेलल्स टू डी सी, और ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये लिखा। उसके बाद मैंने इसे ओ पॉइंट से मिला दिया और इसे ओ पॉइंट से बी पॉइंट पे मिला दिया। अब हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता है, रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइडें होती हैं वो इक्वल होती हैं, इक्वल है अपोजिट साइडें, तो हम लिख सकते हैं ए बी सी एक रेक्टेंगल है क्योंकि इसकी अपोजिट साइडें इक्वल हैं और इसके अंदर के जितने भी एंगल्स हैं वो 90 डिग्री हैं। ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। क्यों होगा? पैरेलल लाइंस की वजह से। अब देखो ये इसके पैरेलल, तो ये और ये इंटीरियर एंगल्स का सम, पैरेलल लाइन के जो एक ही तरफ इंटीरियर एंगल्स बनते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री, तो 180 माइनस 90 ये भी 90 आ जाएगा। फिर जितना ये है उतना ये होगा, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, फिर जितना ये है उतना ये लिख सकते हो, या फिर आप यू आर यूजिंग सेम इंटीरियर एंगल थ्योरम, तो आप वहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि ये इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा, 90 और 180 में से 90 का, यहाँ भी 90 बचेगा और यहाँ भी 90 बचेगा, तो इसके जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे के सारे 90 डिग्री के बनेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी सी एक रेक्टेंगल है जिसकी अपोजिट साइडें इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं, और उसके सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी है कि रेक्टेंगल के, अभी जो क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर शायद फोर्थ में पढ़ा था, जो रेक्टेंगल होता है उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं लेंथ में और बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, जो इक्वल लेंथ में होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं, पहले इक्वल इन लेंथ तो ए सी बी डी के इक्वल हो जाएगा, अब बाइसेक्ट भी करेंगे तो जितना ए सी को दो पार्ट में लिख सकते हैं ओ ए एंड ओ सी, तो ओ ए इज इक्वल टू ए सी, ओ सी और इक्वल्स टू इसे ओ बी इज इक्वल टू ओ डी लिख सकते हैं। अब यहां से जो हमें चाहिए था वो क्या चाहिए था, ये इसके इक्वल, ओ ए ओ सी एंड ओ बी तीनों इक्वल आने चाहिए, तो यहाँ देखो ओ ए ओ सी एंड ओ बी तीनों इक्वल आ रहे हैं,
तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हमारा ओ पॉइंट जो है, जितना ओ का डिस्टेंस ए से है उतना ही ओ का डिस्टेंस सी से है और उतना ही बी पॉइंट से है, तो हम लिखेंगे ओ इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।